प्यार का रिश्ता जो होता है जितनी मुश्किल से बनता है उतनी मुश्किल से उसे बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। पर दिक्कत क्या है कि अगर प्यार का रिश्ता आपके जीवन का जंजाल बन गया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहली बात समझिए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप या ऐसी रिलेशनशिप जो आपको बहुत तंग कर रही है, बहुत दुखी कर रही है, तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो टॉक्सिक रिलेशनशिप पर है। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बड़े विस्तार से बात करेंगे। लोग पूछते हैं अपने कि मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तंग करता है। कुछ लोगों की पत्नियां उनको तंग करती हैं, बहुत परेशान करती हैं किसी अलग अलग तरीकों से। तो ऐसे अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप किसी भी टाइप का हो, अनहेल्दी रिलेशनशिप किसी भी टाइप का हो, तो उससे बाहर कैसे आए, क्या किया जाए, पहले इस बात को समझते हैं। सबसे पहले कि क्या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस टॉपिक पर, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं, मैं एक लाइफ कोच हूँ। लाइफ कोच का मतलब है कि हम साथ चल के लोगों के अनेक दिन भर में अनेक लोगों की काउंसलिंग होती है, जिनकी जीवन की समस्याओं को सुनते हैं और उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो डेफिनेटली इसके बारे में हम आप बात करेंगे इसके बारे में। तो सैनिटरी पैड का एक एग्जांपल, एक विज्ञापन जो है बड़ा फेमस हो रखा है, जिसमें लड़की दूसरी लड़की से बोलते हैं कि जिसने जीना मुश्किल कर दिया उसके साथ क्यों जीना। तो अब पार्टनर बदलने का वक्त आ गया है, यानी कि पार्टनर बदलना इतना आसान, जैसे सैनिटरी पैड बदलना आसान हो वैसे ही पार्टनर बदलना भी काश इतना आसान होता, पर ऐसा नहीं है। बात सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैंने बोला कि प्यार का रिश्ता जो होता है जितनी मुश्किल से बनता है उतनी मुश्किल से उसे बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। पर दिक्कत क्या है कि अगर प्यार का रिश्ता आपके जीवन का जंजाल बन गया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहली बात समझिए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप या ऐसी रिलेशनशिप जो आपको बहुत तंग कर रही है, बहुत दुखी कर रही है, तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है। पहली बात समझे है क्या टॉक्सिक का मतलब, क्या कौन व्यक्ति है जिसको हम कहें कि ये टॉक्सिक है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन है, नंबर वन, सबसे पहले अगर वो अपने आपको अपने दोस्तों के साथ समय ना बिताने दे, आपको आपके दोस्तों के साथ समय ना बिताने दे, तो डेफिनेटली ये पर्सन टॉक्सिक है। अब ये मेल है, जाहिर सी बात है मेल या फीमेल दोनों तरफ से हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति टॉक्सिक हो जाएगा, होगा जो आपको आपके लिए टाइम ना निकालने दे। नंबर दो, आपके वॉलेट को कंट्रोल करे, आप हर चीज के खर्चे के ऊपर जो ना आपकी नजर बना के रखे, अच्छा क्या कर रहा है या क्या कर रही है। पत्नी भी कर सकती है क्योंकि पत्नी हमेशा देखती है कि पति की जेब में कितना है, और कभी कभी पति भी अपने पत्नी के ऊपर की थोड़ा बहुत अगर वो कमाती है तो उस कमाई के ऊपर वो पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो वॉलेट को अगर कंट्रोल करता है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का ये साइन है कि आपका पार्टनर आपके वॉलेट पर कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब समझ दीजिए कि ये एक टाइप का डोमिनेट करने का फीलिंग है। तो डोमिनेट जो करता है तो डेफिनेटली आप एक दूसरे के, ये बात सही है कि आप अपने 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 एक्सपेंसेस की बात करें, अपने पॉजिटिव की बात करें, शेयर करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। अगर कोई पार्टनर आपके वॉलेट को कंट्रोल कर रहा है तो डेफिनेटली ये रिलेशन टॉक्सिक हो चुका है। आपको ये बताया कि आपको क्या पहनना है और कब पहनना है और क्या पहनना है, कहां पहनना है। नंबर तीन जो बता रहा हूं, अगर आपको बार बार इसी की बात पे कि आपको क्या पहनना है, कहां पहनना है, कैसे पहनना है, जो मैं कहूं आपको वो करना है, आपकी एक फैशन सेंस हो सकती है, उसकी अपनी एक फैशन सेंस हो सकती है। तो इसके लिए अगर कोई आपको दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते, याद रखना है, जब आप किसी को फोर्स कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। हो सकता है आप सहन कर जाएं इस बात को, अगर आप सहन कर जाते हैं तो कर जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपसे सहन नहीं हो रहा तो ये मानिए कि ये कुछ दिक्कत है, ये बंदा मुझे फोर्स ना करे। आप अपनी बात को ढंग से उसे कहें कि भाई आप मुझे फोर्स ना कीजिए, पर फिर भी अगर कोई कर रहा है तो ये मानिए कि भाई ये कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, बात समझ उससे बियॉन्ड जा रही है, राइट। तो इसकी बात समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टनर जो ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा फैशन का शौक है और दूसरे को बिल्कुल नहीं है। अब जब दूसरे को जाहिर सी बात है तो स्टेबिलिटी तभी आती है रिश्ते में जब दोनों एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। अब उसको पत्नी को अपने हस्बैंड को अपने फ्रेंड से सभी के सामने लेकर जाना है तो उसको लगता है कि ये बिल्कुल मेरे हिसाब से कपड़े पहन के जाए। पति को शौक नहीं है कि ज्यादा वो कपड़े वपड़े को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के बहुत कपड़े पहनने का उसे शौक नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से रहना चाहता है। बार बार उसको वो कंट्रोल करती है, बार बार कंट्रोल करती है। अगर आप सहन कर सकते हैं आपस में एक दूसरे को, हमें क्या प्रॉब्लम है, बड़े प्यार से कीजिए, बड़े प्यार से कीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे तो तभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही नाक में दम ही पकड़ दिया, क्या आप भी किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। और आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, मैं आपको हैंडल करने का तरीका बताने वाला हूं। पहले समझिए टॉक्सिक है कि किसको आप टॉक्सिक कह रहे हो, किसको आप टॉक्सिक कह रहे हो। जब वो आपके बेस्ट फ्रेंड से जलना शुरू कर दे, कि आप उसके जलन जो है वो बीमारी है, आपका मतलब है कि आप ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, अपने आपको टाइम दे रहे हो, अपने तो अपने बेस्ट फ्रेंड से, मतलब जब बिल्कुल सीरियस ही हो जाते हैं कि ठीक है कोई आपका पार्टनर जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड से जल रहा है, तो जब सीरियस हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको लगने लगता है कि मैं ये बंदा ही गलत है यार, कमाल हो गया, हर चीज के ऊपर ये कमेंट करता रहता है। तो डेफिनेटली आपको इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर देना चाहिए कि भाई कुछ तो मुझे करना पड़ेगा इस चीज को लेकर। अब मैं इसको नॉर्मली डील नहीं कर सकता, क्या टॉक्सिक है?
मैं जानता हूं हजार बार हम एडजस्टमेंट करते हैं, हजार बार हम किसी भी व्यक्ति को छोड़ने से पहले 25 बार हजारों बार सोचते हैं कि भाई करे ना करे, कितना सहन करे कितना ना करे। पर अगर कोई चीज आपके लिए जी का जंजाली बना पड़ा है, हर समय आपको डिप्रेशन में लेकर जा रहा है, हर समय आपको एंग्जाइटी में लेकर जा रहा है, हर समय आपको प्रति टॉक्सिक हो रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है। डेफिनेटली जब उनके सामने अगर आप अपनी बात कहने से घबराए, नंबर 5, अगर आप अपनी बात कहने से घबरा रहे हैं, आपको रिश्ते में बोलने की भी आजादी ना होगा ढंग से, तो वो रिश्ता किस काम का। तो अगर आपका आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं अपने पार्टनर के सामने कुछ भी बोलने से पहले, अगर आपको सोचना पड़ता है, तो डेफिनेटली आप पूरे फंस चुके हैं। वेरी सिंपल, सोचना पड़ रहा है इस बंदे के सामने, पता नहीं किस मूड में बैठे, पता नहीं क्या बोल दे। तो इसको जरा ध्यान से रखिए कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगर आपके जीवन में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप ये इस तरह से है, तो डेफिनेटली उसको इससे ओवरकम करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं क्या करें, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, मतलब तो मैंने बहुत सिंपल चीजें बताई, ऐसा भी हो जाता है कि बुरा व्यवहार, अब्यूजिव हो जाना, गालियां दे देना, राइट, और हाथ उठा देना, मारना शुरू कर देना, अब ये कुछ है तो डेफिनेटली वो टॉक्सिक है ना। क्या आपने भी ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप झेला है? हमने अपने पड़ोस में बहुत झेला है, बाय गॉड्स ग्रेस हमारे यहां तो नहीं है, लेकिन भाई पड़ोसियों में मैंने झेला है, पति को पत्नी को मारते हुए भी देखा है, और दूसरा एग्जांपल भी हमारे सामने, उनकी वाइफ इतनी अग्रेसिव है कि पति की तौबा करवा देती है, दोनों एग्जांपल मैंने देखे। और रोज हम काउंसलिंग करते हैं, रोज लोगों के साथ काउंसलिंग करते हैं, तो अनेक सारा दिन यही लगा रहता है कि सारे रिलेशंस के पीछे ही मारामारी मची पड़ी हुई है। याद रखिए कि किस तरीके से हम, अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो डेफिनेटली इसे छुटकारा पाने के लिए कुछ बातें मैं इसमें शेयर करता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अपनी समस्या को पहचाने, नंबर 1, समस्या को जरूर पहचाने कि पहली बात जागरूकता, मुझे अवेयरनेस हो कि डेफिनेटली कि ये जो रिलेशनशिप है ये टॉक्सिक है, इसके बारे में डिसीजन लेना ही बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको टॉर्चर किया जा रहा है किसी भी रूप में, व्यक्ति, लड़की, लेडीज या जेंट्स, जो भी किया जा रहा है आपका पार्टनर, तो डेफिनेटली घर वालों से सलाह करो, आप करते ही होगे, जरूर करते होगे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात शेयर करो जहां से कोई सोल्यूशन आने की कोई गुंजाइश बने। आप किसी काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हो, आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। डेफिनेटली आपको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, अपने रिश्ते पर नजर डालें और अपने साथ ईमानदार रहें, समझने की कोशिश करें कि वाकई एक ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है, और इसको आपने पहली चीज जरूर समझ लेनी है, मान लेनी है कि हाँ ऐसा है, लोगों से सलाह लें, समझाने का प्रयास करें उस व्यक्ति को कि ये गलत है। अपने थ्रू डायरेक्टली अगर ना हो सके, किसी और के थ्रू प्रयास करें, बड़ों के थ्रू करें, उनके मदर, उनके फादर, उनके अंकल, आंटी, जिनकी बात भी आपका पार्टनर समझता हो, उन्हें के थ्रू बात को समझाने का प्रयास करें। ना समझ में आए फिर आगे बात करते हैं, और खुद के लिए सही रिलेशन जो है डिसीजन लेना, नंबर 2, खुद के लिए सही डिसीजन लेना, निर्णय लेना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अनहेल्दी रिलेशनशिप है, तो ये तरीका है कि खुद के लिए सही निर्णय लेना कि मैं करूं क्या। तो सबसे पहले आप समझिए, आप ही अपनी मदद कर सकते हैं, परिवार या दोस्त केवल आपका साथ दे सकते हैं, करना आपको खुद को है, तो डेफिनेटली खुद को आप मानसिक तौर पर कमजोर नहीं पड़ने देंगे, इस बात को याद रखिए, कमजोर मत पड़ जाइए। और साथ में नंबर 3 इसमें जोड़ रहा हूं मैं, खुद को गिल्टी महसूस मत कराइए कि मेरी गलती रही होगी, और लोग भी ऐसे होते हैं, लोग आपको बोलना शुरू कर देते हैं, पति तंग कर रहा है थोड़ा सा, माँ बाप के पास जाके लेडी बता रही है, तो तेरी गलती रही होगी, अरे तेरे को समझाना नहीं आया उसके साथ, अरे कैसे कैसे लोगों को हमारे टाइम में हमारे पति में इतना मारते थे, हम तो पता नहीं क्या क्या सह लेते थे, अरे सहना पड़ता है, भाई कितना सहेगी वो, कितना सहेगी। ऐसी माताएं जो अपने बच्चों को इस तरह से मिसगाइड करती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए डिसीजन आपके हाथ में, कोई और आपके नाम पर डिसीजन नहीं लेगा, यू आर द डिसीजन मेकर, याद रखिए। और खुद को गिल्टी मत महसूस कराइए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम खुद को दोष देना, हाय हाय मेरी ही कमी रही होगी, मैं आपका प्यार नहीं पा सकी, मैं आपके लायक नहीं बन सकी, अरे गई वो दकियानुसी बातें, आपके लायक नहीं बन सके, उसको भी मेरे लायक बनना चाहिए ना, केवल मैं ही उसके लायक बनने की कोशिश करती रहूं या करता रहूं, उसको भी तो मेरे लायक बनने की कोशिश करनी चाहिए ना, तो उसके लिए दोनों के लिए बराबरी की बात है, तो इसको गिल्टी महसूस मत कराएं, कम से कम अपना नुकसान ना करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप खुद डिप्रेशन में आ जाएंगे या आपको एंजाइटी शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है, राइट। नंबर 4, दोस्तों से बात करें, डेफिनेटली रिश्ते को बात करें, सबसे सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें, दोस्तों के थ्रू समझाने का प्रयास करें, अलग अलग, मतलब इस व्यक्ति ने आपको क्या सिखाया है, पॉजिटिव पार्ट भी लें, नेगेटिव भी लें, मैं मानता हूं बहुत टफ डिसीजन होता है, राइट। मैं यहां पर एक सलाह देता हूं कि अगर, क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं इसमें कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो कर्मों के हिसाब से अगर मैं कहूं, खुद थोड़ी बहुत अगर टॉक्सिन्स आपके मन में आ भी रहे हैं मान लो इस व्यक्ति के प्रति, तो एक काम करेंगे, आपको उस व्यक्ति को ध्यान करते हुए उस व्यक्ति के प्रति मन में ना एक फीलिंग अपनी जनरेट करें, और ये फीलिंग क्या है, आपने बार बार अपने अंदर 4 लाइनें रिपीट करनी, इसको बोलते हैं होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ऐसे करके, कि अगर मेरी गलती है तो चलो मैंने माफी मांग ली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ये आप उसके प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो दिन सुबह से शाम तक कई बार पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो, देखो कैसे रिश्ता सुधरता है, मैंने ये पाया है,
मैंने पाया कि कई बार बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप भी इस चीज से सुधर जाती है, बहुत सुधर जाती है, डेफिनेटली सुधर जाती है। और प्लीज करना, मतलब मेरे हिसाब से अगर 10 लोगों के टॉक्सिक रिलेशन मेरे पास आते हैं ना, तो 10 में से 7 पर ही काम करता है, तो बात छोटी नहीं है। 70% लोगों पर काम करता है, उनके रिलेशन को इंप्रूव करने में मदद करती है ये प्रेयर। आप बार बार उसके प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो। हो सकता है कोई कार्मिक मिस्टेक भी रही हो, पिछले जीवन की भी रही हो, क्योंकि वो भी प्ले करती है, लेकिन और भी गलतियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप झेलते रहो। फिर आप क्या करो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कम से कम आप इसको 11 दिन करके देखना, करके पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना। क्या रिश्ते सुधरते हैं? डेफिनेटली सुधरेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, चीजें सुधरेंगी। और इसमें रिलेशनशिप में अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व हो, कोई तीसरा किसी कारण से बीच में इन्वॉल्व हो, तो मैंने कामदेव गायत्री मंत्र के बारे में बताया, तो प्लीज उसका सहारा ले लें। इस दो लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए कामदेव गायत्री मंत्र बेहद उपयोगी है। आप इस मंत्र की चैंटिंग के द्वारा भी आपका प्यार बढ़ा सकते हैं। और डेफिनेटली एक और बुक भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ यहाँ पर, यह है 5 लव लैंग्वेजेस के नाम से किताब है, प्रेम की 5 भाषाएं हिंदी में भी उपलब्ध है, गैरी चैपमैन करके शायद इसके ऑथर हैं, मैं माफी चाहता हूं अगर मैं मिस कर रहा हूं। तो प्रेम की 5 भाषाएं बहुत अच्छी किताब है, इस टॉपिक पर जरूर पढ़िए कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझने में, उसकी प्रेम की भाषा को समझने में कोई गलती तो नहीं कर रहे, तो वो जरूर पढ़ लीजिए। इतनी बड़ी डिसीजन लेने से पहले अपने आप को जरूर अपग्रेड कीजिए, जानिए प्रेम की 5 भाषाएं, जरूर ये बुक पढ़ लेने लायक है। मुझे मिली तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। और यहां पर मैं बता देता हूं, आप उन्हें और खुद को माफ जरूर कर दें, डेफिनेटली उसको पकड़ के नहीं रखना है, हाँ ये तो बंदा है, हाँ ये तो मैंने देखता हूँ कई बार वो जो पेरेंट जो पार्टनर परेशान है ना, वो दूसरों के सामने उसकी बुराइयां बहुत करना शुरू कर देते हैं, हाँ ये तो गंदा है, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति ऐसा, उनके बारे में कोसना शुरू कर देते हैं। उन्हें माफ करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है, ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनको पकड़ के बैठने से नहीं ना। और इसकी बजाय 5, खुद पर ध्यान दें, खुद पर काम करें, खुद अपने आप को, अपने गुणों को सुधारें, अपने अंदर चेंज लेकर आए, नई शुरुआत करें, बाहर खुद पर समय दें, अपने आप को, अपनी हॉबी को टाइम दें, अगर आप दे सकते हैं तो बड़े काम आएगी। तो हॉबी पर ध्यान दीजिए और नई नई चीजें सीखने में टाइम लगाइए, मतलब अपना ध्यान थोड़े समय के लिए डाइवर्ट कर लें, बहुत ज्यादा उसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं, खुद पर टाइम दीजिए ना, नई नई चीजें सीखो, नई नई लर्निंग्स लो, नई बुक्स पढ़ो और लर्निंग लो, नए कोर्स करो, बड़े कमाल की चीज है, घूमने जाएं, अपने आप को रिफ्रेश करें। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अटके ही रह जाएं वहां पर, और खुद को दोष नहीं ठहराएंगे बिल्कुल भी, इसको याद रखेंगे अच्छे से। और अपने दोस्तों से मिलें और रिलेशनशिप से, मतलब अपने और उस चीज को बेटर करने का प्रयास करें, इसी से चीजें धीरे धीरे सुधर जाएंगी। और नहीं सुधरे तो फिर एक्सट्रीम एक्शन भी लेना पड़ जाता है, मतलब अलग होने के बारे में सोचा जाता है, लेकिन उससे भी घबराना नहीं, उसके बारे में फिर हम आगे फर्दर किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि बोझ की तरह ढोना नहीं है, उसे मुक्ति पाने के बहुत सारे पॉजिटिव तरीके हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सारी चीजों का आंसर भी मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो हमारा फ्री काउंसलिंग का नंबर भी नीचे दिया हुआ है, हमारे ऑफिस के नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, साथ बने रहने के लिए, थैंक यू।